हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्रीरा 2024। आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़कर जो एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं अश्विनी कुशवाहा अपने इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट, जो भी एंड अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उनकी फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराई जाती है। और जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ नोट्स रहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना डाउट भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का सेशन है वो है पपीते की खेती। तो आज हम पपीते की खेती में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उनमें आते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ मिलकर के जो एग्रीकल्चर है उसके साथ एग्रीकल्चर में एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एक नारे के साथ, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पपीता, यानी कि पपाया। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो कैरिका पपाया है और इसका जो कुल है वो कैरिकेशी है। अगर हम बात करें तो इसका जन्म स्थान अमेरिका या मैक्सिको या उष्ण अमेरिका ही ज्यादातर आता है। कहीं कहीं पे आपको मैक्सिको और उष्ण मैक्सिको दिखा, जो मैक्सिको है हमारा वो उष्ण अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 2n = 18 होती है और जो इसका फल का प्रकार रहता है बेरी रहता है। बेरी से मतलब यह है, और जो इसके इसमें खाया जाने वाला भाग पेरिकार्प या मेसोकार्प होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें खाया जाने वाला, तो जो हमारा आप जैसे ये फ्रूट रहता है तो आप इसका जो बाहर का रहता है वो हमारा एंडोकार्प रहता है, और जो इसमें बाहर अंदर की तरफ हमारे जो सीड रहते हैं तो इसका हम जो बीज का गूदा गूदा रहता है तो हम इसको खाते हैं तो यह हमारा मेसोकार्प होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या खाते हैं, तो वो मेसोकार्प खाते हैं। अगर हम बात करें कि पपीते भारत में किस समय आया, तो यह हमारा 16वीं शताब्दी में जो हमारे पुर्तगाली आए थे उनके द्वारा भारत में इसे लाया गया था। क्या कब लाया गया था, तो ये 16वीं शताब्दी में आया था भारत में। वहीं पे अगर हम बात करें कि पपीते में कौन से विटामिन पाई जाती है, तो पपीते में विटामिन ए पाई जाती है। वो कितनी पाई जाती है, वो 220 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 220 इंटरनेशनल यूनिट इसमें जो है विटामिन पाई जाती है। वो कितने फल से, 100 ग्राम फल से। वहीं पे अगर हम बात करें, ये दूसरा फल है जिसमें इतनी सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है। और जो हमारा पहला फल कौन सा है, वो मैंगो है। मैंगो में कितनी पाई जाती है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। तो आप उसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि पपीते से हमें पपेन प्राप्त होता है जो कि हमारे पेट संबंधी रोगों में लाभदायक। पपेन किससे प्राप्त होता है, जो हमारा फ्रूट रहता है, जैसे कि हमारा जो फ्रूट है इसमें हम जब चीरा लगाते हैं तो इसमें से सफ़ेद सफ़ेद कलर का दूध निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, और जो लेटेक्स रहता है उसी को सुखाकर हमें पपेन प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें कि पपीते को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे ट्री ऑफ मेलन या बैकयार्ड ट्री भी कहते हैं। ट्री ऑफ मेलन मतलब जो हमारा पपीता रहता है, तो आप देखेंगे जैसा हमारा तरबूज रहता है उसी शेप में यह भी रहता है, तो ये हमारा किस पे, ट्री पे लगता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो हमारा पपीता है वो ट्री पे लगता है, तो इसे ट्री ऑफ मेलन कहते हैं। और बैकयार्ड मतलब हमारे जो घर के रहते हैं, हम किचन गार्डनिंग में इसको लगा लेते हैं तो हमें अच्छे से फ्रूट प्राप्त हो जाता है, तो इसे बैकयार्ड ट्री भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पपीते में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पपीता एक लिंगाशय यानी कि डाइसियस और पॉलीगैमस प्लांट है। डाइसियस मतलब ये हो गया कि इसमें नर मादा पौधे अलग अलग पाए जाते हैं, और पॉलीगैमस प्लांट मतलब ये होगा कि इसमें तीन प्रकार के फ्लावर पाए जाएंगे, एक तो मेल फीमेल, दूसरा हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से।
वहीं पे अगर हम बात करें कि पपीते से कितना हमें पपेन प्राप्त हो जाता है, तो एक पौधे से हमें लगभग 75 से 100 ग्राम पपेन प्राप्त हो जाता है। वहीं पे अगर एक क्वेश्चन और जो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है कि पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, तो पपीते में जो पीला रंग रहता है वो कैरिका जैंथियम के कारण होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो पौधे हम जब बोते हैं, जो हमारी डाइसियस वेराइटियां रहती हैं, तो हम उसमें नर व मादे पौधे का अनुपात कितना लगाते हैं, तो वो जो नर व मादा पौधे का अनुपात रहता है अगर हम इसमें, तो हमें 1:10, यानी कि जैसे कि हमने एक एरिया है, हमने इसमें इस तरीके से, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि हमने ये जो हमारा एरिया है, इसको हमें एक पपीते के प्लांट लगाने हैं, तो इसमें ये हम जितने भी प्लांट लगाएंगे नर व मादा के, ठीक है, तो वो डाइसियस वैरायटी यूज कर रहे हैं, तो हम जितने यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पे 100 प्लांट लगाए पपीते के प्लांट लगाने, तो उसमें क्या होगा कि हमें जो 10 पौधे हैं वो नर की आवश्यकता होगी और बाकी जो 100 पौधे रहेंगे वो हमें मादा के बहुत आवश्यकता होगी, तो आप समझ गए होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसकी रोपाई कब करते हैं, तो इसकी रोपाई जुलाई से अगस्त के माह में करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें रोपाई हेतु गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, यानी कि 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर गहरा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा हमें गड्ढा चाहिए होता है। अगर हम बात करें कि इसमें पूसा नन्हा हेतु का अंतरण कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 1.5 मीटर और 1.5 मीटर, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर और जो हमारी पौध से पौध की दूरी है 1.5 मीटर, पूसा नन्हा में रखते हैं। वहीं पे अगर हम पूसा नन्हा की बात करें, तो यह सघन बागवानी के लिए प्रयुक्त रहती है और जो हमारी यह गृह वाटिका के लिए उपयुक्त, और ये कहाँ से विकसित की गई है, तो यह हमारी जो हमारा IIHR बैंगलोर में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो वहां से विकसित की गई है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सर्वाधिक पपेन किन किस्मों पे पाया जाता है, तो वो हमारे CO5 और CO6 हैं। वहीं पे अगर हम पपीते में परागण किसके द्वारा हो, तो पपीते में परागण पर परागण होता है। और वहीं पे बात करें कि पपीते में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो पपीते में साइमोस टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। वहीं पे पपीते में फूल आने का समय कब से कब तक रहता है, तो मई से सितंबर तक इसमें फूल आते हैं। वहीं अगर पपीते की जो नर्सरी है हम उसको कब बोते हैं, तो अप्रैल से मई इसकी नर्सरी बोते हैं। वहीं 2 महीने के बाद जो हमारे पौधा हो जाता है वो रोपने के हेतु तैयार हो जाता है। वहीं पे अगर हम जो इसकी ताइवान किस्म और जो सूर्या किस्म है, वो लाल गुदे वाली किस्म है, यानी कि इस समय आप जो मार्केट में जो फ्रूट रहता पपीते का फ्रूट रहता है, उसमें जो लाल गुदे वाली किस्म है, लाल गुदा आपको दिखता है, तो वो कौन सी वैरायटी है, वो हमारी ताइवान और सूर्या है। वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारी सनराइज सोलो है, इसमें यह गुला इसका जो गुदा होता है वो गुलाबी कलर का होता है। वहीं पे जो इसमें सर्वाधिक कैरोटीन युक्त यह किस्म है। वहीं पे जो हमारी डिब्बाबंदी या जूस के लिए कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त रहती है, तो वो हमारी पूसा जायंट है। वहीं पे अगर हम बात करें गृह वाटिका या सघन खेती या अत्यधिक बौनी किस्म कौन सी है, तो वो हमारी पूसा नन्हा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसका जो प्रवर्धन है, यानी कि इसको हम किसके द्वारा उगाते हैं, तो ज्यादातर हम इसमें बीज के द्वारा इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसका प्रवर्धन टिश्यू कल्चर के भी द्वारा कर लेते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसके लिए जो जलवायु कैसी, तो ये उष्ण तथा उपोष्ण, यानी कि ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल का पौधा है, तो इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि 10 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो 44 से 48 डिग्री रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसके लिए जो अनुकूल तापमान रहता है वो हमारा 27 से 34 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। वहीं पे आपको जो हमारा पपीता है, ये पाला व जल भराव जो जहाँ, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पाला पड़ता है या जहाँ जल भराव की संभावना रहती है, वहाँ इसको नहीं उगाया जा सकता है।
अगर हम इसके लिए भूमि की बात करें तो इसके लिए जो अच्छी जल निकास वाली और हल्की उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहती है। अगर हम इसकी बात करें रोपाई करने का समय, तो इसको जो इसके लिए उपयुक्त समय रहता है अगर, तो ये हमारा जुलाई से अगस्त रहता है, लेकिन इसको वर्ष में 3 बार भी उगाते हैं। जो हमारा वर्षा का प्रारंभ होगा, तो हमारा यानी कि जब वर्षा प्रारंभ होगी तो जुलाई से अगस्त, और वहीं पे जब वर्षा का अंत रहता है तो यानी कि हम इसकी सितंबर से अक्टूबर में भी रोपाई करते हैं, और वहीं बसंत ऋतु में फरवरी से मार्च में भी इसकी रोपाई करते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त रहता है वो जुलाई से अगस्त रहता है। और इसका जो पौध अंतरण रहता है, पौध से पौध की दूरी और पंख से पंख की दूरी, वो 2 बाई 2 मीटर पे रखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें हमें जो हमारी नर्सरी है उसमें कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पौधे हमारे लिए रोपाई के लिए उपयुक्त रहते हैं, तो वो 20 से 25 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें जो बीज की मात्रा रहती है, तो इसमें जो बीज रहता है वो हमारा दो, एक तो हमारी गायनोडाइसियस वैरायटी और एक तो डाइसियस। तो गायनोडाइसियस में मतलब 250 से 300 ग्राम, ठीक है, और वहीं पे जो हमारी डाइसियस मतलब 300 से 400 से 500 ग्राम। तो आप इसको, इसमें जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो गायनो मतलब हमारा जो सिंगल है, तो इसमें हमारी कितनी रहेगी, तो 250 से 300 ग्राम, और जो डाइसियस मतलब दोगुनी, तो आप इसमें इस हिसाब से तो डायसिस मतलब हमारी 400 से 500 ग्राम। आपको आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारे डायसियस प्लांट यानी कि डायसियस क्या होता है, तो डायसियस में क्या होता है, जो हमारे नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, तो नर व मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि जो हमारा एक ये प्लांट हो गया, ठीक है, जिसमें कि हमारे मेल फ्लावर दिख रहे हैं, और एक हमारा जो ये प्लांट है जिसमें हमें फीमेल फ्लावर दिख रहे हैं। तो जो हमारा जो हमारे मेल फ्लावर रहते हैं, तो इसके जो इसमें किस तरीके के फूल लगेंगे, तो इसमें जो हमारे स्टेमिनेट यानी कि जो स्टेमिनेट फ्लावर इसमें लगेंगे, और जो हमारे फीमेल फ्लावर हैं इसमें पिस्टल यानी कि इसकी जो इकाई क्या रहती है, तो इसकी पिस्टल रहती है, और इसकी जो पुष्पक्रम की इकाई स्टेमन रहती है, तो इसमें स्टेमिनेट फ्लावर रहेंगे और इसमें हमारे पिस्टलेट फ्लावर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको प्लांट को एक बगीचे में ग्रो करेंगे इस तरीके से, तो इसमें जैसे कि हमने इस तरीके से ये प्लांट लगाए, तो इसमें जब हमें जो नर पौधे हैं व मादा पौधे हैं उनके निषेचन के लिए हमें अलग से जो हमारे नर पौधे हैं तो उसमें हमें लगाने पड़ेंगे। तो हम अगर इसमें 100 पौधे लगा रहे हैं बाग में, हम इसमें 100 पौधे लगा रहे हैं मादा के, तो हमें कितने पौधे लगाने पड़ेंगे नर के, तो हमें 10 पौधे नर के लगाने पड़ेंगे। तो इसका जो नर व मादा का अनुपात रहता है पौधों में, तो वो कितना रहता है, 1:10 रहता है। आप इसको जरूर इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पे आपको मादा आगे कर देगा, नर पीछे कर देगा, तो इस हमारा अनुपात 10:1 हो जाएगा। तो आप इसका बस ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ें, कि रेशियो कौन सा पूछ रहा है, नर मादा पूछ रहा है कि मादा नर पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो मादा पौधों की संख्या रहेगी वो 10 रहेगी, और जो नर पौधों की संख्या रहेगी वो 1 रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारी आंगी अंगला है गायनोडाइसियस, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें केवल मादा पुष्प ही, इसमें केवल मादा पुष्प ही पाए जाते हैं। जैसे कि क्या होगा, जैसे हमारा जो एक प्लांट है, ये प्लांट है हमारा, ठीक है, इसमें जो हमारे फ्लावर लगेंगे ये केवल जो पिस्टलेट ही फ्लावर लगेंगे, यानी कि इसमें जो फीमेल फ्लावर हैं वही लगेंगे, इसमें हमें जो नर फ्लावर रहते हैं उनके प्लांट नहीं लगाए जाते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि इसमें नर पौधों की आवश्यकता, तो इसमें नर पौधों की आवश्यकता नहीं। और इसमें किस प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, इसमें हार्माफ्रोडाइट, मतलब इसमें क्या होता है, हार्माफ्रोडाइट से मतलब यही होता है कि इसमें एक ही जैसे कि जो हमारा पौधा है इसमें जो फूल लगे हुए हैं, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर, जैसे कि तुम आप लोग देख रहे हैं कि जो इसमें जो हमारा मेल और फीमेल फ्लावर है वो इसी में लगे हुए हैं, तो इसी से ये अपना निषेचन कर लेते हैं, और हमारी इसी में पार्थेनोकॉर्पी भी देखने को मिलती है। तो इसमें हमें जो नर पौधे रहते हैं इसमें लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। और जो मोनोसियस हमारे प्लांट रहते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे पौधा रहता है उस पे एक भाग पे हमारे मेल फ्लावर लगेगा और एक पार्ट पे हमारा फीमेल फ्लावर रहेगा, तो इसे हम
मोनोसियस प्लांट कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, और भी आगे अच्छे से बता देता हूँ। मोनोसियस मतलब इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा जो मक्का है एक ही पौधे पर पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोसियस हो जाएगा। तो मोनोसियस में जैसे कि मेल फ्लावर ऊपर हमारा है मेज में और फीमेल फ्लावर हमारा नीचे है, तो इससे हमारा फल का निर्माण होता है। और जो हमारा गाइनोडाइसियस है, जो हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, इसमें क्या होता है एक ही प्लांट रहेगा, और लेकिन जो फ्लावर है उसमें मेल फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाएंगे। जैसे कि आपने जो गूलर रहता है उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से जो हमारा गूलर रहता है अंदर बहुत सारे फीमेल रहते हैं और बाहर हमारे मेल फ्लावर रहते हैं, तो इस तरीके से उसे हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। वहीं पे हम बात करें कि पपेन क्या है, पपेन मतलब कच्चे फलों को जब हम चीरा लगाते हैं तो उससे दूध निकलता है, दूध निकलता है तो जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स को जब हम उसे सुखा लेंगे तो क्या होगा, लेटेक्स को जब सुखा लेंगे तो वो सूखकर एक पाउडर टाइप का, यानी कि दूध टाइप जो हमारा दूध सूख जाएगा तो वो सफेद पाउडर बन जाएगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम पपेन कहते हैं। और एक पौधे से हमें कितना पपेन प्राप्त हो जाता है, तो 700 से 75 से 100 ग्राम। वहीं पे अगर हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि जो बीज, जो हम पपीते का बीज फल रहता है उसमें जो बीज रहते हैं, बीज रहते हैं तो उसके ऊपर एक चिपचिपा पार्ट चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सार्कोटिष्टा कहते हैं। जो बीज हमारे ये बीज रहते हैं इनके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ यानी कि लसलसा पदार्थ रहता है, जब उसको टच करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हम उसको सार्कोटिष्टा कहते हैं, जो कि जिलेटिन का बना रहता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे हम अगर बात करें कि इसकी जो वैरायटियां हैं उसमें हमारी जो वैरायटियां हैं उसमें एक तो हमारी गाइनोडाइसियस वैरायटियां हो गई और जो हमारी डाइसियस वैरायटियां हो गई, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, और कुछ वैरायटियां हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा विशेषताएं भी हैं, तो उनको हम इसमें कवर करते हैं। हमारी पहले हम कवर करते हैं गाइनोडाइसियस, मतलब जो हमारी पहली वैरायटी है पूसा मेजेस्टी, यानी कि पूसा मेजेस्टी जो हमारी वैरायटी है, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप नोट कर लीजिए, यह सर्वाधिक इससे हमें पपेन प्राप्त होता है। दूसरा हमारा हो गया यह निमेटोड की प्रतिरोधी है। अगर आप पूछ लिया जाए कि पूसा मेजेस्टी हमारी कहाँ से विकसित की गई है, तो यह हमारी IARI से विकसित की गई, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। वहीं पे जो हमारी अगली वैरायटी है कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू वैरायटी की एक विशेषता जो हमारा राजस्थान प्रदेश है वहीं पे इसको उगाने के लिए उपयुक्त रहती है। वहीं पे जो हमारी सनराइज सोलो है इसका जो गुदा रहता है वो गुलाबी कलर का होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो हमारा ताइवान है इसकी किसका गुदा रहता है, तो इसका हमारा लाल रंग का गुदा रहता है। वहीं पे जो हमारी रेड लेडी है तो ये हमारी विदेशी किस्म है, और जो हमारी अगली किस्म है वो है पूसा डेलीसस, और जो हमारी सूर्या किस्म है वो IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से विकसित की गई है, और ये लाल गुदे वाली है, और वहीं पे क्या हुआ है, और ये एक संकर किस्म है, और एक वैरायटी रह गई वो जो है हमारी थाईलैंड जो गाइनोडाइसियस में आती है। और जो हमारी दूसरी वैरायटियाँ हैं वो है हमारी डाइसियस, डाइसियस में हमारी जो पहली वैरायटी है पूसा जायंट, पूसा जायंट हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप हमें हमने जैसे पिछले में बताया जो हमारी डिब्बाबंदी व जूस बनाने के लिए, डिब्बाबंदी को हम क्या कहते हैं, कैनिंग कहते हैं, तो ये हमारी कैनिंग व जूस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहती है। वहीं पर जो हमारी पूसा ड्वार्फ वैरायटी है यह सघन खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहती है, और ये हमारी किससे विकसित की गई, तो जो हमारा गामा किरणें थी उनको संश्लेषित करके इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। जो हमारी पूसा नन्हा वैरायटी है ये हमारी कहाँ से विकसित की गई है, तो जो हमारी पूसा नन्हा वैरायटी है वो IARI से विकसित की गई है, और जो इसका पौध अंतरण रहता है वो 1.5 मीटर से 1.5 मीटर, और कहीं कहीं किताबों में 1.25 मीटर या 1.25 मीटर भी लिखा रहता है, आप कंफ्यूज ना होइए, जैसा आपको ऑप्शन मिले उसी तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। ये हमारी अति सघन वैरायटी है, और ये इसको हम गमले में अपने घर में भी लगा सकते हैं, तो यह गृह वाटिका के लिए भी उपयुक्त वैरायटी है। वहीं पे हमारी इसमें वाशिंगटन वैरायटी है, और हमारी अगली वैरायटी है वो हाथरस गोल्ड है। अगर आपको वैरायटी नहीं अच्छे से याद हो रहे हैं तो मैं आपको एक स्टोरी के
तो आप याद कराता हूँ। जैसे कि एक जो लड़का था उसका क्या नाम था, हमारा सूर्या था। वो हमारा एक लड़का था जो सूर्या था, उसको क्या हुआ, वो कहाँ गया, थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड एक हमारी वैरायटी है, वो कहाँ गया, थाईलैंड गया। थाईलैंड गया तो वो अपने किसके साथ गया, हनी के साथ गया। हनी कौन थी, उसकी एक लेडी थी, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो उसके साथ वो हनी के साथ गया, कहाँ गया, ताइवान गया। ताइवान गया तो वो क्या करता था, आराम से रात में सनराइज, यानी कि सनराइज होने तक खूब मजे करता था आराम से। तो हमारी सूर्या किस्म हो गई, हनी से हमारी कुर्ग हनी हो गई, और लेडी से हमारी रेड लेडी हो गई। कहाँ गया, ताइवान गया। और सनराइज मतलब यानी कि जब तक सनराइज होता नहीं था तो उससे हमारी सनराइज सोलो हो गई, मजे से मतलब पूसा मेजेस्टी हो गई। तो आप इस तरीके से इस स्टोरी के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे लगे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।